स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। कैसे हो सभी लोग दोस्तों? आई होप आप खुश होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप यहाँ यूरोप में आते हैं एंड अपनी कंपनी टैक्सी की खोलना चाहते हैं एज ए टैक्सी ड्राइवर, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी डिटेल में आपको ये बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। सो फाउंडेशन ऑफ अ टैक्सी कंपनी विद वन कार, टू कार, 30 कार, 15 कार, व्हाटएवर। सो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपको चाहिए? देखो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए। मींस जर्मन में क्या कहते हैं, बेफेइंगुंग्सनाखवाइस, इसका मतलब ये है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, नाखवाइस द फाइनेंशियल लाइस्टुंग्सफेहिकाइत, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट विद सोशल सिक्योरिटी एंड टैक्स अथॉरिटीज, मीन्स खाइने रुकस्टैंडे पाइम सोशियल फर्सिचरुंग उन्ड पाइम फाइनेंसामत। ये जर्मन में बता रहा हूँ दोस्तों आपको। पार्किंग स्पेसेस आउटसाइड ऑफ स्ट्रीट, जहाँ आपने अपनी टैक्सीज जो हैं, 3 है, 2 है, 4 है, 10 है, खड़ी करनी है। परमानेंट वीजा इन ऑस्ट्रिया आपको चाहिए, अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल कि आप टैक्सी कंपनी खोल सकते हैं, मीन्स वीजा चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट, फॉर इंडिपेंडेंटली टैक्सी ट्रेड और फॉर अ स्टार्ट अ टैक्सी बिजनेस, आपको पड़ेगा एक टेस्ट देना पड़ेगा आपको दोस्तों। कहते हैं उसको, कहते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय कार, ठीक है, ये नेसेसरी बहुत है, ये देना पड़ेगा आपको। पहले तो ऐसा था कि 3 साल का एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट चाहती कि 3 साल का एक्सपीरियंस आप हमें दिखाएं, मींस पहले कि आप बस ड्राइवर थे, मतलब बस चलाते थे, ऐसा समझ रहे हैं ना, आपके ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है तो। लेकिन अब 1 जनवरी 2021 से लेकर गवर्नमेंट कहती है कि हमें ये 3 साल का एक्सपीरियंस की डिग्री कह सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए हमें। ऐसे भी बिना एक्सपीरियंस से भी आप ये टैक्सी कंपनी खोल सकते हैं। ये क्यों एक्सपीरियंस मानते हैं, देखो, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, अब पैसेंजर होते हैं यानी कि ट्रक चलाते हैं, कुछ भी सामान लेके जाते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पहले था कि गवर्नमेंट कहती थी हमें एक्सपीरियंस चाहिए, पता नहीं आज क्यों चेंज कर दिया आपने इन्होंने, आई डोंट नो, बेटर फॉर अस। सो नाउ क्या चाहिए आपको, अप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस, मीन्स अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सी चाहिए, लाइसेंस एप्लीकेशन जैसे मैंने कहा पहले, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड वो आपको दिखाना पड़ेगा, नॉट एल्डर देन 3 मंथ, एंड एक डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों उसको कहते हैं एक्लेयरुंग इबर दस निश्त फोअलिंग फोन गेवेबे आउश्लीसुंग्सकुरेंटन, मीन्स अगर आपने पहले अप्लाई किया हो कि आप टैक्सी की कंपनी, जो कोई भी कंपनी आपने खोलना चाहते हैं, तो उनका रिजल्ट नेगेटिव हो तो वो देखेंगे, वो एक डॉक्यूमेंट होता है दिखाना पड़ेगा आपको। प्रूफ, नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, टेस्ट सर्टिफिकेट आ गया ना, जो आपने टेस्ट दिया तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, तो वो चाहिए उनको। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन
टू प्रूफ द फाइनेंशियल कैपेसिटी मीन्स मनी इनफ इस बंदे को है कि नहीं इनके पास, वो प्रूफ देना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल, है ना। क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द टैक्स ऑफिस एंड सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज, उसको कहते हैं उन बेदेंकली खैच बेशाइनी गोंग। कॉन्फर्मेशन ऑफ पार्किंग स्पेसेस, यहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी करनी है, हो सकता है कि आपने किराए पर ली हो, रेंट पर ली हो जगह, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है वो साथ में आपको लगाना पड़ेगा। कमर्शियल रजिस्टर डॉक्यूमेंट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैनेजर अंडर ट्रेड लॉ फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस फंड एंड एम्प्लॉयर अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर आपके पास ये सब है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक कंपनी आपकी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है वीडियो देखने के बाद, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपका है, लिख सकते हैं कमेंट, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको आंसर दे सकूँ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, बाय।